आज सुबह ही बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आई है। दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक दुनिया को अलविदा कह गए। 66 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इस खबर की जानकारी उनके करीबी दोस्त व एक्टर अनुपम खेर ने दी। इस खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा है। सतीश कौशिक की मौत की जानकारी देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर ये बात मैं जीते जी कभी भी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। जिंदगी तुम्हारे बिना अब कभी पहले वाली नहीं रहेगी। ओम शांति। वही सतीश कौशिक के निधन पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मौत से एक दिन पहले ही सतीश जी ने जमकर होली खेली थी। होली सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उन्होंने कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, जुहू के जानकी कुटीर में जावेद अख्तर बाबा आजमी के साथ खूब रंगों भरी होली खेली। इस दौरान न्यूली वेड खूबसूरत कपल अली फजल और ऋचा चड्डा से भी मुलाकात हुई। सभी को हैप्पी होली। किसे पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी होली होगी। रिपोर्ट्स की माने तो सतीश कौशिक की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर दिल्ली में थे और एक रोड ट्रिप के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिलहाल एक्टर के पार्थिव शरीर को दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया है। आज करीब 11 बजे उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा, जिसके बाद शरीर परिजनों को सौंपा जाएगा, फिर उनकी बॉडी को मुंबई लाया जाएगा। बता दें कि सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा में हुआ था। साल 1972 में उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। साथ ही उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी पढ़ाई की थी। सतीश कौशिक ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें पहचान मिस्टर इंडिया मूवी में कैलेंडर का किरदार निभाकर मिली थी। बाद में वो कई फिल्मों में साइड रोल में नजर आए। फिल्म राम लखन और साजन चले ससुराल मूवी के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। वो इस समय कंगना रनौत की मूवी एमरजेंसी में काम कर रहे थे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।